यज्ञ में विराट गहोई सम्मेलन का हुआ आयोजन, विशेष सहयोगी रहे समाज सेवी डॉक्टर संदीप सराफ की। इस तरह के आयोजनों से होता है समाज का उत्थान। 84 क्षेत्रीय गहोई वैश्य समाज की धर्मस्थली श्री श्री 1008 श्री कमलेश्वर महादेव मंदिर समिति और 84 गहोई वैश्य समाज के द्वारा 13वां सामूहिक विवाह महायज्ञ और गहोई सम्मेलन का आयोजन श्री कमलेश्वर महादेव मंदिर कारखेड़ा में आयोजित हुआ। विशेष सहयोगी रहे समाज सेवी संघर्ष सेवा समिति अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सराफ की। सर्वप्रथम 84 क्षेत्रीय गहोई वैश्य सभा वैश्य नव युवक मंडल महिला मंडल श्री कमलेश्वर महादेव मंदिर समिति सामूहिक आयोजन समिति हजारों लोगों की उपस्थिति में समाज सेवी डॉक्टर संदीप सराफ का पुष्पमाला पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत किया गया है, जिसमें प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक जयमाला कार्यक्रम, दोपहर 12 से 4 बजे तक विवाह मंडप में अग्नि कुशाक्षी मानकर नव दंपतियों को वैवाहिक बंधन में बंधने की डॉक्टर संदीप सराफ की आयोजन समिति और वहां उपस्थित हजारों लोगों ने पुष्प वर्षा कर आशीर्वाद और बधाई दी। इस सामूहिक विवाह के साक्षी हजारों लोग गवाह बने। इस अवसर पर समाज सेवी डॉक्टर संदीप सराफ ने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन एक उत्सव की तरह है, जिसमें समाज के लोग बड़ी संख्या में धूमधाम से सम्मिलित होते हैं। इस मौके पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष सुरेश बंधु करैरा, 84 क्षेत्रीय अध्यक्ष शिवशंकर सेठ शिवपुरी, अध्यक्ष सामूहिक विवाह समिति सीताराम मसूरिया, स्वागत अध्यक्ष विवाह सम्मेलन आरडी गुप्ता, अध्यक्ष नौ युवक मंडल करारखेड़ा अंकित लहारिया, करारखेड़ा पंचायत अध्यक्ष मुकेश लहरिया, 84 क्षेत्रीय कमलेश्वर मंदिर समिति अध्यक्ष संतोष कुमार पहारिया, संगठन मंत्री संतोष कुमार तीत और बिलासी करैरा गहोई समाज के अध्यक्ष द्वारका प्रसाद निखरा, तो वहीं संघर्ष सेवा समिति से धर्मेंद्र सिंह गुर्जर, सुशांत गोंडा, राकेश अहिरवार सहित करैरा कमलेश्वर मंदिर समिति और 84 गहोई वैश्य समाज के सभी पदाधिकारियों कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। सरपंच पोती हम साधारण में आमंत्रित करते हैं, समितियों का स्वागत किया गया है। श्रीमती किरण सूर्या जी जो कि हमारा पानी का टैंकर जो प्रतिवर्ष की भांति लगातार लगातार हमारे लिए गंदा पानी पीने को मिलता है, वो आदरणीय श्री अविनाश निकरा जी खोड़ द्वारा हमारे लिए प्रतिवर्ष ठंडा पानी की व्यवस्था जो करवाते हैं उनके लिए इसके उपरांत बहुत ही से अध्यक्ष महोदय और मंत्री महोदय नरेंद्र जी करकरे को सम्मान करें। नरेंद्र जी करकरे हमारे बीच आ चुके हैं। राम कुमार जी जैगरे कोषाध्यक्ष, हाँ श्री नरेंद्र कुमार जी करकरे पूछो जिनके द्वारा हमारा पूजा कार्यक्रम बधाई के बाद जाना था आपको, लेकिन चूंकि आवश्यक कार्य है हम चाहते हैं कि आप हमारे आशीर्वाद दें और इसके बाद ही आप जा सकते हैं हमारे झांसी से। 84 क्षेत्र द्वारा आयोजित 13वें सामूहिक विवाह यज्ञ में पधारे आज की मुख्य अतिथि समाज की गौरव विपुल निरोधी जी जो जनपद की अध्यक्ष हैं उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। और कमलेश्वर भगवान सीताराम जी मसूरिया जिन्होंने अपने बच्चों ने अहमदाबाद में जो काम किया है हमारा समाज को गौरवित कर रहे हैं उनका भी स्वागत करता हूँ। श्री मंच में बैठे हमारे जोरा सबके प्रिय डॉक्टर संदीप सरावे जी उनका अहमदाबाद के श्री विजय जी हमारे अध्यक्ष निवोती जी महासभा के दीप जलाकर संकल्प लेना सीखा है, दीप से दीप जलाकर संकल्प लेना सीखा है और हर समस्याओं का समाधान कर आगे बढ़ने की ओर से सादर उनका वंदन अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं इस कार्यक्रम की भव्यता को अपने अखबार में जगह दे करके एक सामाजिक दायित्व का निर्माण करेंगे। धन्यवाद। बोलिए कमलेश्वर महाराज जी से
मैं भी उन्हें मन का सम्मान करना चाहता हूँ। मैं भी उठता हूँ पानी का टैंकर जो प्रतिवर्ष की बात ही लगातार लगातार हमारे लिए गंदा पानी पीने को मिलता है, वो आदरणीय श्री अविनाश निकराजी खोड द्वारा हमारे लिए प्रतिवर्ष ठंडा पानी की व्यवस्था जो करवाते हैं उनके लिए। अपडेट मीडिया के लिए झांसी से हर्ष शर्मा की रिपोर्ट।